चीन के बारे में सवाल पूछो वो हिमाचल प्रदेश के बारे में मुझे सवाल पूछे। पांच मिनट बाद में उसने कहा भैया मुझे सब बताओ, ये मैं आपसे मैं हिंदुस्तान का नेता हूं, मैं हिमाचल प्रदेश का नेता नहीं, मैं हिंदुस्तान का नेता हूं, तुम मुझसे हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछे, तुम्हें बाकी हिंदुस्तान में कोई रुचि नहीं है? मिल रहा है कहता है मुझे हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं, राहुल की बात मुझे सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कहता है मेरे डिस्ट्रिक्ट में हम सेब उगाते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से सेब पूरी दुनिया में जाए। ओबामा साहब सेब खाए तो डब्बे में लिखा हो मेड इन चाइना और मेरा कॉम्पिटिशन वो हिमाचल प्रदेश के लोगों से है, वो वहां पे सेब उगाते हैं, मैं अपना सेब हिमाचल प्रदेश में बेचना चाहता हूं, मारना चाहता हूं। अब ये देखिए कैसी सोच है, मेरा सपना है कि उत्तर प्रदेश को हम दुनिया की फैक्ट्री बनाएं। ऐसा दिन आए जब वहां साहब जाए, अब प्रेसिडेंट नहीं है काफी समय उनके पास, दुकान में जाए चमड़े का जैकेट लेदर का जैकेट खरीदे, पीछे देखे यहां पे उस पर लिखा हो मेड इन कानपुर, कोई अमेरिका में आम खाए डब्बे में देखे मेड इन लखनऊ, ऐसा होगा तो इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, उसमें चिप्स बनेंगे, खेत के पास फैक्ट्री लगेगी, किसान सीधा जाएगा फैक्ट्री में अपना आलू बेचेगा और फैक्ट्री में 500,000-2,000 युवा काम करेंगे। ये काम हम आपके लिए करना चाहते हैं कि कल आपको लगे कि आप फोन खरीदे, ऐसा फोन खरीदे, आज इस फोन के पीछे लिखा है, देखो बड़ा लिखा है यहां पे मेड इन चाइना, कल ऐसा नहीं आए जब आप फोन खरीदे और फोन पे लिखा हो मेड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है
जब उत्तर प्रदेश का कोई युवा जाए अभी ठीक है कोचिंग सेंटर के लोगों से पहली बात बताएंगे भैया देखिए आप हमें बताओ कहां जाना चाहते हो आप बैंक में काम करना चाहते हो आप आईएएस में जाना चाहते हो आईआईटी में जाना चाहते हो हम आपको सिखाएंगे मगर आप एक बात अच्छी तरह समझ लो इस कोचिंग सेंटर में हम आपसे एक रुपया ले लेंगे यहां पर मुफ्त का काम होगा और आप किसी भी परिवार से आओ किसी भी धर्म किसी भी जात के हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप यूपी के युवा हो आप इस कोचिंग सेंटर में बिना एक पैसे कोचिंग ले पाओगे और आप अपना सपना पूरा कर पाओगे और ऐसे मैंने अखिलेश से कहा कि 5 कम से कम वायरल हो जाए और हम उस पर काम कर रहे हैं ऐसे ही अगर यूपी को मजबूत बनाना है तो जो हमारी बहने हैं जो इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है जो दिन भर काम करती है उनकी भी सोचनी पड़ेगी तो उसमें भी मैंने कहा कि महिलाओं के लिए बहनों के लिए भी हमें कुछ करना है कम से कम 5 महिलाओं के लिए हम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में बोले हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिला पुलिस स्टेशन जहां बिना घबराए हमारी महिलाएं जा सके एफआईआर दर्ज करना हो तो एफआईआर दर्ज कर सके कोई दूसरी मुश्किल हो तो उस पर उनकी उनके कार्रवाई हो सरकारी स्कूल में जो जाती हैं हर बच्ची को 500 रुपए महीना दिया जाए और 12वीं क्लास पास करने के बाद 25,000 रुपए हर महिला को दिया जाए हर लड़की को दिया जाए और नरेगा में महिलाओं को ज्यादा रकम दी जाए तो इस प्रकार का हम उत्तर प्रदेश आपके लिए बना रहे हैं नेता उड़ गए टोपी उड़ गए उनके कान बीच सभा में खड़ा हो गया गधा सीना तार।